नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इसी के साथ हम आपको देने जा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। इंडियन नेशनल लोकदल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इनेलो सूत्रों के अनुसार हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है तथा उन्हें अनुशासनहीनता को लेकर के एक सप्ताह के अंदर एक स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। हालांकि करनाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर उन्हें कोई नोटिस मिलेगा तो वे उसका स्पष्टीकरण देंगे। उधर जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिसार दादरी के जिला अध्यक्षों को बदले जाने पर जब प्रश्न पूछा गया तो दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इनेलो ने सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला है, अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो वे सोच समझ कर ही ऐसा करेंगे। हम आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को गोहाना में जन नायक चौधरी देवीलाल सम्मान समारोह आयोजित रैली में हरियाणा में विपक्ष के नेता दुष्यंत चौटाला के चाचा अभय सिंह चौटाला जब बोलने के लिए खड़े हुए तो वहां उपस्थित सांसद दुष्यंत चौटाला के समर्थकों ने हल्ला कर दिया। वह अभय सिंह चौटाला व पार्टी अध्यक्ष अशोक अरोड़ा को जमकर रूटीन की और खूब शोर मचाया। इस दृश्य को जब इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने देखा तो मंच पर ही सांसद दुष्यंत चौटाला को डांट लगाई। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने स्पष्टीकरण देते हुए अपने समर्थकों को शांत करने की अपील करते रहे मगर उनके समर्थक शांत रहने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसके चलते इनेलो ने घमासान मचा हुआ है और पार्टी एक बार फिर से दो फाड़ होने की स्थिति में पहुँच गई है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।